से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का सेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड नंबर सेशन है, दैट इज़ द बेसिक ऑन फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड पाम रिकॉग्नाइजेशन से रिगार्डिंग है। तो व्हाट इज़ द फेस रिकॉग्नाइजेशन? फेस रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? बेसिकली हम फेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के अंदर जैसे कई बार हम फेस अनलॉक यूज़ करते हैं, तो फेस अनलॉक यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि जब से हम फेस को पहले डिटेक्ट कराएंगे, रिकॉग्नाइज करवाते हैं, रिकॉग्नाइज करवाने के बाद आप फेस को डिटेक्ट करते हैं, तो अगर आपका सेम फेस मिलता है तो ही आप लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज लॉगिन नहीं हो सकते हैं। ऐसे सेम थिंग पाम रिकॉग्नाइजेशन है, तो जैसे आपके हाथ की हथेली है तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जैसे कहीं भी अगर हम हाथ को यूज़ करते हैं, तो अगर वो आपका हाथ रिकॉग्नाइज होगा तो ही आपका लॉगिन होगा सिस्टम, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो इसी चीज़ से रिगार्डिंग है कि हाउ टू यूजिंग द फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड यूजिंग द पाम रिकॉग्नाइजेशंस। तो ना फर्स्ट यूज़ करते हैं जैसे बायोमेट्रिक्स रिकॉग्नाइज सिस्टम। जैसे अभी तक हमने जो सिस्टम देखा था, दैट इज़ द बायोमेट्रिक्स रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है। रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड ऑन द बायोमेट्रिक इज प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। मीन्स जो हमारा अभी तक हम रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यूज़ करते हैं बायोमेट्रिक्स में, वो किस टाइप से यूज़ करते हैं? बेसिकली टू टाइप से यूज़ होता है, एक तो बिहेवियरल और एक साइकोलॉजिकल। इट इज़ मेथड फॉर एस्टेबलाइजिंग कॉन्फिडेंस दैट हु इज़ डीलिंग विद इंडिविजुअल विच इज़ ऑलरेडी नॉन और नॉट इन द सिस्टम। मतलब कौन इसमें नॉन है और कौन नॉन नहीं है। तो ये तीन तरीके से काम करता है बेसिकली, जैसे कैप्चरर, एक्सट्रैक्टर एंड मैचर। कैप्चर का मतलब जो भी चीज़ें हैं पहले उनको बायोमेट्रिक्स की हेल्प से आप उसको कैप्चर करते हैं। जैसे मान लो आपके पाम हैं, आइरिस हैं, तो ऑल दीज आर पहले कैप्चर की जाती हैं, देन फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग इन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू कन्वर्ट ओरिजिनल कैप्चर डेटा, कि ओरिजिनल कैप्चर डेटा में उसको क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। एंड मैचर का मीनिंग क्या होता है कि फिर उसको चेक किया जाता है टू डिफरेंट बायोमेट्रिक सैंपल के अंदर, कि जो आपने जो डेटा यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेटिकली कि वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट हो गए, कैप्चरर, एक्सट्रैक्टर और मैचर। नाउ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम सम हाउ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ कैप्चरर। मतलब जो आपने जैसे बेसिकली जो डिपेंड करता है कि उसकी जो क्वालिटी है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, जो डिपेंड करती है दैट इज़ ऑन द कैप्चरर, एक्सट्रैक्टर और मैचर पे डिपेंड करती है कि डेटा किस तरीके से लिए गए थे। अब कैसे काम करती है बायोमेट्रिक्स मशीन? सबसे पहले आता है इनरोलमेंट सिस्टम। इनरोलमेंट का मतलब जिस भी यूज़र का हमें बायोमेट्रिक बनाना है, सबसे पहले उसको इनरोल किया जाता है। इनरोल करने का मतलब उसका नाम, उसका जेंडर, एज, यूनिक आईडी, ये सब चीज़ें अलॉट की जाती हैं। आफ्टर अलोकेशन दिस वन वी स्टोरेज, अगला पॉइंट क्या होगा, स्टोरेज। कलेक्टर यूज द बायोमेट्रिक डेटा अलोंग विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर इन द सम स्टोरेज। मीन्स उसको स्टोर किया जाता है, जैसे पर्सनल डेटा के साथ में बायोमेट्रिक्स जो डेटा है उसको स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कंपेरिजन। कंपेरिजन मीन्स दिस इज फेस वेन द यूजर रिविजिट द सिस्टम पीरियडिकली इन द प्रोसेस, रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा विल बी कैप्चर एंड विल बी कंपेयर टू स्टोर डेटा टू ऑथेंटिकेशन यूजर। मीन्स जैसे आप उसके अंदर टाइम टू टाइम जब विजिट करते हैं, तो रियल टाइम जो बायोमेट्रिक्स डेटा है वो कैप्चर करता है और स्टोर करता है एक ऑथेंटिकेशन यूजर के डेटा के अंदर। मतलब क्या होता है कि अगर आपका मान लो कोई भी चीज़ें चेंज करवानी है, तो आप रिविजिट करते हैं, रिविजिट करने का आपका सबसे पहले जो आपने बायोमेट्रिक लिया था वो स्टोर के यूज़ किया जाता है, एंड देन आफ्टर जो भी चेंजेस करवाते हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंपैरिजन भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कंपैरिजन मींस दिस मेथड कैन बी कॉल्ड द ऑथेंटिकेट यूजर बायोमेट्रिक्स डेटा विल बी कंपेयर्ड। मींस जो बेसिकली जो ऑथेंटिकेट यूजर है वही डेटा को क्या कर सके, कैप्चर कर सके। तो ये काफ़ी जो मेथड है दैट इज द एक्यूरेट है, फास्टर है, रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वन आई एन, वन जी और वन आई एन कंपेरिजन।
दिस मेथड इज कॉल्ड ए आइडेंटिफिकेशन वेयर द यूजर बायोमेट्रिक डेटा विल बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ग्रुप ऑफ यूजर और ऑल यूजर बायोमेट्रिक डेटा स्टोर इन ऑल बायोमेट्रिक डेटाबेस टू फाइंड आउट द यूजर यूनिक आईडी और विच रियल टाइम बायोमेट्रिक कैप्चर्ड। ये मेथड क्या होता है, बेसिकली कि ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं उनमें से एक स्पेसिफिक यूजर को फाइंड आउट करना कि ये बेसिकली एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा है या नहीं है। अब बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड क्या है, मोस्ट पॉपुलर बायोमेट्रिक मॉडलिटी इज सच एज फिंगरप्रिंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली जो यूज की जाती है वो क्या चीज़ यूज की जाती है, फिंगरप्रिंट। सेकेंड वन इज द आयरिस, आंखें, एंड द फेस हैविंग इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ डिफाइन बाई द ISO, या फेस डिटेक्ट किया जाता है जो अकॉर्डिंग टू कैसे होना चाहिए, ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हैविंग वेबसाइट एड्रेस www.iso.org मीन्स हमें जो भी चीज़ें तैयार करनी होती हैं वो अकॉर्डिंग टू ISO लेवल पे तैयार करनी होती हैं ताकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो चीज़ें रिलायबल हों, जहाँ पे मतलब इंटरनेशनल कहीं भी जैसे आप इंडिया से बाहर भी अगर जाएं तो वो चीज़ें वहाँ पे आपकी वर्किंग करें, क्योंकि आज के दिन जो बेसिकली वे है ये ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे चेक किया जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड है या आपका पासपोर्ट है तो ऑल डिटेल्स चेक इन द इंटरनेशनल लेवल, तो दैट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब ISO की कुछ सीरीज हैं, जैसे लाइक ISO IEC 19794 इज अप्लीकेबल टू स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक्स, ये किस पे डिपेंड करती है, बायोमेट्रिक्स पे, मतलब ISO ने बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस बना रखी हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, तो उस सीरीज के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें हैं उस सीरीज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। देखिए द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निक कमीशन, मतलब जो ये 19794 है इसके अंदर इसमें क्या हो गया, द इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक कमीशन हेडक्वार्टर इन जिनेवा, मतलब जो ISO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा में है, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द पब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, मतलब यहीं से ही सारी चीज़ें बेसिकली रिलीज होती हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम ISO द सम मॉडलिटी सच एज फिंगरप्रिंट ANSI 378, मतलब फेस के अलावा जो फिंगरप्रिंट है उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, ANSI 378, जो बेसिकली बायोमेट्रिक्स के जो फिंगर स्कैनर है उसके लिए डिजाइन किया गया है। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जो इसमें आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। एन ईजियर डिस्कस्ड अबाउट दिस सीरीज द अप्लीकेबल टू बायोमेट्रिक्स विद वेरियस सच एज ISO IEC 19794 2 से लेके 2005, ये 2005 में आया था, ये 2011 में आया था, ये अलग अलग हैं जिनको आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। कुछ अदर फॉर्मेट्स हैं जैसे लाइक ANSI 378, WSQ एंड JPEG 2000 पॉइंट, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये पॉइंट हैं जो बेसिकली आपके पास यूज होते हैं। नाउ अब जो अगला पॉइंट है दैट इज अ फेस रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन, कि फेस रिकॉग्नाइजेशन क्या है, जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ये एक ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कई बार हम देखते हैं किसी बंदे को तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने इसको कहीं देखा था, देखने का मतलब हम क्या उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका फेस ही तो रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है दैट इज़ ए लाइक ए सुपर कंप्यूटर, जैसे हम किसी भी बंदे को देखते हैं तो आगे इन फ्यूचर कभी भी आप उसको देखोगे तो उसका फेस हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इस बंदे को हमने कहीं भी देखा था। अब रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, उसके फेस के मतलब लुक से, उसकी आँखों से, उसके फेस के हाव भाव से, वो चीज़ें हम क्या करते हैं बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं। सेम ऐसे ही जो मशीन है वो भी रिकॉग्नाइज करती है, जैसे अभी जैसे एक ह्यूमन बीइंग जब उसको रिकॉग्नाइज करता है, सेम ऐसे ही कौन रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके मशीन रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर उसकी शेप है, उसकी आँखों की शेप है, अगर वो सेम वैसे ही है तो इट मीन्स आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ना कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक ये चीज़ें हैं जैसे फेक रिकॉग्नाइजेशन, फोरहेड हो गया, ग्लेबिया, आइज, नोज, फिल्ट्रम, माउथ, चिन, जा, ऑल दीज आर द ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे एक फेस क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है।
Understand? Now, in the face recognition process, these feature of the face are extracted. मतलब ये सारी जो फीचर जो अभी आपको बताई हैं, ये एक्सट्रैक्ट होती हैं. अगर ये मैच हो गई तो इट मीन्स आपका फेस रिकॉग्नाइज्ड हो गया. मीन्स जो भी चीज़ें आपने डाली हैं, जैसे फ़ोन में डाली हैं, तो फेस आपका इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है और फिर रीड करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, जैसे कई बार जैसे फेस दो बंदों का सेम होता है, तो इट मीन्स आपके पास वो कोई भी बंदा उसको ओपन कर सकता है. ठीक है, जैसे लाइक क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं, जैसे नीचे गिवन है, देखो. इन द फेस एक्सट्रैक्शंस एंगल ऑफ द पार्ट एक्सरसाइज ऑफ द ईच पार्ट्स, हर एक पार्ट को चेक करते हैं, जैसे रीजन, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पार्ट्स, एंगल ऑफ द पार्ट्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द पार्ट. ये सब चीज़ें फेस रिकॉग्निशन का बेसिकली पार्ट है. ठीक है, नाउ जैसे इस टाइप से आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है, पूरा एक डिटेक्ट करता है उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, आंखों के बीच में गैप कितना है, आंखों की लेंथ कितनी है, जो फेस है उसकी लेंथ कितनी है, नोज की लेंथ कितनी है, उनके बीच में गैप कितना है. अगर ये सारी चीज़ें बेसिकली मिल जाती हैं, तो आपका फेस क्या हो जाता है, रिकॉग्नाइज हो जाता है. द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज ए टेक्नोलॉजी यूज फॉर आइडेंटिफाई और वेरीफाई ए पर्सन फ्रॉम ए डिजिटल इमेज और वीडियो फ्रेम. मतलब ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई होते हैं आपके पास, एक पर्सन के डिजिटल इमेज से या वीडियो फ्रेम से. जनरली दे वर्क बाई कंपेयरिंग सेलेक्टेड फेशियल फीचर्स फॉर इंडिविजुअल विद फेसिस स्टोर इन द डेटाबेस ऑफ द सिस्टम. कुछ बेसिकली हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग फेशियल फीचर सिस्टम्स होता है जो डेटाबेस में स्टोर होता है. इन जनरल ऑल फेसिस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी वर्क बाई कंपेयरिंग फीचर फ्रॉम गिवन इमेजेस. कुछ इमेजेस गिवन है उसके बेसिस पे वो काम करती हैं. जैसे फर्स्ट वन, जैसे ये चीज़ें हैं, देखिए. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फेस ऑफ द पर्सन वी वॉन्ट टू रिमेंबर आर स्टोर्ड इन द सिस्टम डेटाबेस. वेन एवर द पर्सन ट्राइज टू एक्सेस द सिस्टम ए फोटो वुड बी टेकन. जैसे उसको बेसिकली जब उसको एक कोई भी बंदा उसको ट्राई करता है एक्सेस करने की, तो उसकी जो फेस की जो फोटो है वो बेसिकली टेक की जाती है. द स्टोर डेटा इज कंपेयर्ड विद द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द फोटो. देन बोथ मैच एक्सेस इज गिवन. जैसे इस टाइप से एक नीचे वो दिया है, देखिए इमेज है. जैसे जब एनरोलमेंट होता है उसकी फ़ोटो बंदे की, और उसका जो फोटोज वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती है. जब कंपेयर किया जाता है तो बेसिकली उस फोटो के साथ कंपेयर करते हैं. अगर वो फोटो मैच हो गई, लाइकली है तो मैच हो जाएगी, अदरवाइज़ अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो वो नॉट मैच हो जाएगी. ठीक है, ये कुछ प्रोसीजर हैं. जैसे अनलॉकिंग मोबाइल फ़ोन, जैसे फ़ोन को अनलॉक करना है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना है, मैनेजिंग अटेंडेंस है, कैन बी यूज टू होम सिक्योरिटीज़ है, मॉनिटरिंग पीपल अराइविंग द लिविंग एयरपोर्ट है, बॉर्डर क्रॉसिंग है, सुपरमार्केट है, इन सब जगह बेसिकली फेस अनलॉक फीचर यूज की जाती है. समझ आ गया पॉइंट कि कैसे आप फेस रिकॉग्नाइजेशन का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब इसका प्रोसीजर क्या है? यस, वी हैव द बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इन द फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम. बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होता है जिसमें फेस को रिकॉग्नाइज करके उनकी अटेंडेंस लगाते हैं. फर्स्ट वन, फर्स्ट वी ऑब्टेन ए गुड क्वालिटी इमेज ऑफ द फेस फ्रॉम ए गुड एंगल. मतलब एक अच्छी क्वालिटी की आपके पास फेस फोटो होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेप टू कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग हेयर द इमेज वी कोट इन द स्टेप वन आर स्लाइटली एनहेंस्ड. मतलब पहली जो फीचर है उसमें जैसे बंदे का आप एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली एक डेटाबेस में फोटो स्टोर करते हैं. ऑल एम्प्लॉय नीड टू शो अप इन द फ्रंट ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको आकर के फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है उसके आगे अपना फेस शो करना होता है. एवरी टाइम एम्प्लॉय इमेज इज कंपेयर्ड विद द स्टोर इमेजेस. हर बार एम्प्लॉय को जो इमेज है वो उससे कंपेयर होगी जो वहाँ पे स्टोर है. इन मैचेस फाउंड कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस इज मार्क्ड. अगर वो मिल गई तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है, अदरवाइज वो अब्सेंट हो जाएंगे. सम सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड व्हेन द एम्प्लॉय लीव फॉर होम. जैसे घर से बाहर आएगा तो भी चीज़ें अप्लाई होती हैं, इंट्री करेगा तो भी चीज़ें अप्लाई होंगी. टोटल टाइम इन ऑफिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अबो डेटा. और उसका जो टोटल टाइम है वो भी उसी के बेस पे क्या होगा, कैच यूज होता है कि उसका कितना टाइम स्पेंड किया. तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? फेस, फर्स्ट वन है फेस प्रिंट. फेस प्रिंट का मतलब कोई भी बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उसका जो फेस है वो डिटेक्ट करती है मशीन. तो फेस में क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट होती हैं, जैसे ये देखिए नीचे गिवन है, उसकी विड्थ और हाइट.
कि उसकी विड्थ कितनी है फेस की और उसकी पोजीशनिंग क्या है, हर जितने भी उसके पार्ट्स हैं फेस के अंदर उसकी पोजीशन, साइज कितना है, शेप क्या है, आईज का, नोज का, चिक बोन्स का एंड जाज का, ये सब चीज़ें बेसिकली कैप्चर की जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में यूनिक लाइंस पैटर्न एंड स्पॉट इन पर्सन स्किन, मतलब जो पर्सन की स्किन है उसके ऊपर जो भी लाइनें हैं, जो भी स्पॉट्स हैं, वो भी रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं। जैसे मान लो किसी के फेस के ऊपर जैसे कुछ झुर्रियाँ बन गई हैं या कुछ अलग से लाइनिंग स्लॉट हैं, तो वो सब चीज़ें भी फेस के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे। जैसे ये एक तरीका है, जैसे जैसे नीचे देखो आपके पास एक यूज़ किया गया है, जैसे इस टाइप का कोई फेस है, तो जब उस पूरे फेस को डिटेक्ट किया जाता है तो यूनिक फेसियल डेटा, जैसे यहाँ से जो फेस है कि उसकी स्किन कैसी है, उसके लिप्स के बीच में गैप कितना है, नोज़ के बीच में गैप कितना है, आईज कितनी लेंथी हैं, आईब्रो हो गई जो आपके पास बेसिकली दैट वन पार्ट है, तो ये कितना लेंथी है उसके अंदर, तो हर चीज़ जैसे फोरहेड हो गया, हेयर स्टाइल हो गई, ये सब चीज़ें बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहले कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद जब भी आप उसके सामने आएंगे, सिस्टम के सामने, तो वो सब चीज़ें बेसिकली क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ए पिक्चर ऑफ योर फेस इज कैप्चर्ड यूजिंग द डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से आपकी फोटो ली जाती है। फेसियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट फेसियल लैंडमार्क, और जो भी आपके फेसियल लैंडमार्क हैं जो अभी मैंने बताया आपके पास, उन सब चीज़ों को बेसिकली चेक किया जाता है। योर सेट ऑफ फेसियल लैंडमार्क इज कंपेयर टू डेटाबेस ऑफ द नॉन फेस, और उसको डेटाबेस के साथ में कंपेयर किया जाता है। तो ये जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं बेसिकली आज, ये हमारा फेसियल से रिगार्डिंग था कि हाउ टू वर्किंग ऑफ द फेसियल रिकॉग्नाइजेशन। इसके अलावा जैसे लाइक जो अगला सेशन हमारा इसी सेशन का सेकंड वन पार्ट है, दैट इज द पाम रिकॉग्नाइजेशन के बारे में आएगा, तो इसको हम अगले उसमें यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आज आप थोड़ा सा फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे कहीं भी आज के दिन आप जाते हैं तो आपके चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हाउ टू आप फेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ रीड दैट वन सेशन, तो दैट इज़ अवर सेशन नंबर सेकेंड ऑफ द यूनिट 3।